भाभी जी घर पर हैं शो में मलखान सिंह की भूमिका निभाने वाले दीपेश भान का जुलाई में निधन हो गया था। इसके चलते फिल्म और टीवी जगत में शोक की लहर छा गई थी। दीपेश भान अपने पीछे पत्नी और 18 महीने का बच्चा छोड़ गए थे। उनकी पत्नी को इस अवसर पर ना सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा बल्कि वित्तीय चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। उन्होंने एक घर लोन पर ले रखा था जिसकी कीमत 50 लाख थी। दीपेश भान के साथ काम कर चुकी सौम्या टंडन परिवार की सहायता के लिए आगे आई और उन्होंने एक फंडरेजर की शुरुआत की। अब हालिया जानकारी के अनुसार दीपेश भान के परिवार ने फंडरेजर की सहायता से उस ऋण को चुका दिया है। दीपेश भान की पत्नी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने शो की निर्माता बेनाफेर कोहली और सौम्या टंडन का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा, जब मेरे पति अचानक चल बसे तो मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस समय सौम्या टंडन और अन्य लोग आगे आए, उन्होंने एक फंडरेजर की शुरुआत की। इसके चलते एक महीने के अंदर हमने घर का लोन चुका दिया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सौम्या जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इसके अलावा मैं बेनाफेर कोहली का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं। दोनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। आपको बता दें कि 26 जुलाई को दीपेश भान क्रिकेट खेलने गए थे और एक ओवर डालने के बाद वे गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। वैसे इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।